हम चाहते हैं बदलाव हो, कुछ अच्छा हो, समाज में कुछ अच्छाई आए, लेकिन आज के जो दिनांक 15/10/2018 को मेरे ऑफिस से नोटिस इशू किए गए हैं तीन लोगों को। एक शिकायत आई थी हमारे पास जो पूर्व विधायक हैं जयपाल जी, उनकी तरफ से कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया जिसमें जो हमारी मंत्री महोदय हैं उन्होंने कोई सरकार की उपलब्धियों के बारे में कुछ प्रचार प्रसार किया, और जो शिकायत थी उसमें एक फ़ोटो भी थी। तो इसी मामले में एक्सप्लेनेशन तीनों की तरफ से जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो कॉलेज है जिसमें ऑर्गेनाइज़ किया गया, फिर जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया पॉलिटिकल वेंचर करके एक कंपनी है, तीनों को नोटिस दिया गया है और 24 घंटे में तीनों का एक्सप्लेनेशन मांगा गया है कि अगर इस तरह का प्रोग्राम किया गया है और उसमें इस तरह की उपलब्धियाँ गिनाई गई हैं तो वो अपना NCC के वायलेशन की श्रेणी में आता है। इसलिए भी क्योंकि ये एक मतलब एडेड इंस्टीट्यूट है जो कॉलेज है, तो तीनों का एक्सप्लेनेशन लिया गया है और 24 घंटे में उनका एक्सप्लेनेशन आएगा और उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। कोई लापरवाही पाई जाती है अगर 24 घंटे में अगर नहीं देते हैं या फिर कोई शिकायत में सच्चाई पाई जाती है तो क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, शिकायत में पहले हम ये देखेंगे कि वो क्या एक्सप्लेनेशन बात कर रहे हैं, वो किसी प्रोग्राम में गए तो थे, पर हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि मतलब MCC का वायलेशन उस हिसाब से हुआ है कि इन्होंने कोई उपलब्धियाँ गिनाई हैं या सरकारी योजनाओं का कुछ ऐसा जिस तरीके से उसमें किया गया है, और अगर वो उसमें सच्चाई पाई जाती है, हमने अपने मतलब अपने लेवल पे भी इंक्वायरी हमने चालू की है, तो अगर 24 घंटे में वो पता चलता है तो हम MCC का वायलेशन करके DO को लिखेंगे और मतलब ECI को भेजा जाएगा।